सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी में सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसलिए घर में रहें, स्वस्थ रहें और सकुशल रहें। कोरोना से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना है। इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग कक्षा 8 में प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। पहले हम लोग कविता के मूल भाव को समझने का प्रयास करेंगे, उसके पश्चात एक एक करके हम लोग पंक्तियों की व्याख्या सुनेंगे और सप्रसंग इसकी व्याख्या भी हम लोग करेंगे। जैसा कि हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ हमें बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल कभी नहीं हो सकता है। गुलाम व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है, परंतु वह स्वतंत्र रूप से कभी इधर उधर भ्रमण नहीं कर सकता है। कविता के शुरुआत में पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की अभिलाषा करते हैं। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरे की तिलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। वह नदियों झरनों का पानी पीने वाले होते हैं। वे भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, उनके लिए नीम की कड़वी निबोरी ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। वे सिर्फ सपनों के पेड़ों की डालियों में झूलते रहते हैं। कवि ने यहाँ पर उन्मुक्त जीवन जीने की अभिलाषा को व्यक्त किया है। पक्षियों के आकाश में उड़ने के अरमान हैं। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेने की उनकी आकांक्षा है। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते हैं। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी ललायत नहीं है। वे केवल उनके मन की एक ही अभिलाषा है कि वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, और कोई उनकी आकाश में उड़ान की आज़ादी में विघ्न न डाले। यही कविता का मूल भाव है। यहाँ पर कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी ने स्वतंत्रता को ही सबसे बड़ा सुख माना है। पिंजरे में बंद पंछी हो या गुलाम मनुष्य, दोनों कभी सुखी नहीं रहते हैं। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके मन की जो व्यथा है उसकी अनुमान लगा पाना काफी कठिन है। पक्षियों के आकाश में उड़ने के अरमान हैं। वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपने सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेने की उनकी आकांक्षा है। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते हैं। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी ललायत नहीं है। वे केवल उनके मन की एक ही अभिलाषा है कि वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, और कोई उनकी आकाश में उड़ान की आज़ादी में विघ्न न डाले। यही कविता का मूल भाव है। यहाँ पर कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी ने स्वतंत्रता
स्वतंत्रता को ही सबसे बड़ा सुख माना है। पिंजरे में बंद पंछी हो या गुलाम मनुष्य, दोनों कभी सुखी नहीं रहते हैं। सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके मन की जो व्यथा है उसकी अनुमान लगा पाना काफी कठिन है। अब हम लोग एक एक पंक्ति के भावार्थ को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली जो आठ पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन आठ पंक्तियों का भावार्थ यह है, परंतु उससे पहले सब प्रसंग व्याख्या, परीक्षा में कभी दे देता है कि इसकी सब प्रसंग व्याख्या करें। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखना है कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक की हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है, जिसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं और वे यहाँ पे स्वतंत्रता को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। फिर आता है व्याख्या। व्याख्या में हम लोग लिखेंगे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपने मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, अपना गान हम पिंजरे में कभी भी कैद होकर नहीं गा पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबौरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजड़े का गुलामी जीवन जीना पसंद करेंगे। अर्थात पंछी जो है खुले आकाश में उड़ने की इच्छा जो है व्यक्त करते हैं। अगली आठ पंक्तियों का भावार्थ फिर यह है, पहले पंक्तियां सुन लें। पर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या यह होगा, प्रसंग तो वही रहेगा कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है, जिसके कवि श्री मंगल सिंह सुमन जी हैं और उन्होंने इन पंक्तियों में स्वतंत्रता को ही सबसे बड़ा सुख माना है। इन पंक्तियों का भावार्थ यह होगा, व्याख्या यह होगा कि कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में कैद ना किया जाए, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं, पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते।
यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरे के बंधन में कैद हैं। पंछी कहते हैं कि हमें पिंजरे में कैद नहीं किया जाए, क्योंकि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अब अंतिम 8 पंक्तियां, इनकी भावार्थ यह है। पहले पंक्ति सुन लें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रसंग वही रहेगा कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ्यपुस्तक की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई है, जिसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। वे यहाँ पर स्वतंत्रता को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे कि कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को हम लोग पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते, या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ान ही हमारा काम है। अतः हमारे इस अधिकार में बंधन मत डालो, हमें खुले आकाश में उड़ने दो, क्योंकि हम पंछी उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले पक्षी हैं। तो इस प्रकार से हम पंछी उन्मुक्त गगन के हर पंक्ति का भावार्थ आप लोगों ने सुना। आशा करते हैं कि अभ्यास में जो मौखिक और लिखित जो प्रश्न है उसे आसानी से आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग अभ्यास की ओर आते हैं। उससे पहले शब्द ज्ञान शब्दार्थ है, जिसको आप लोग कंठस्थ याद करेंगे। फिर है मौखिक। मौखिक में एक एक लाइन में आप लोग इस लिखेंगे इसका उत्तर। जैसे पहला प्रश्न है, पंछी किस प्रकार उड़ना चाहते हैं? तो पंछी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं? पंछी बहता जल पीना पसंद करते हैं। मैंने व्याख्या में बताया है, इसलिए अगर आप व्याख्या ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। मौखिक के पश्चात लिखित है। लिखित में भी अलग अलग प्रश्न हैं। पंछी कहाँ रहना पसंद नहीं करते? तो पंछी कैद में बंद पिंजड़े में रहना पसंद नहीं करते। स्वादिष्ट खाने की अपेक्षा पंछी क्या खाना पसंद करते हैं? तो स्वादिष्ट व्यंजन खाने की अपेक्षा पंछी परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं। इस प्रकार से आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर लिखते जाएंगे। मौखिक के बाद लिखित, फिर अगले पृष्ठ में आएंगे तो आप देखेंगे दीर्घ उत्तरी है। दीर्घ उत्तरी में अलग अलग प्रश्न हैं, उसे भी आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर नंबर 2 में है, काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को चुनना है। 4 पंक्तियां यहाँ पर हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पहला जो प्रश्न है, कविता का नाम बताएं। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसके उसके आगे टिक लगाएंगे। इसमें ग होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कविता के रचयिता का नाम बताएं।
तो ख है शिव मंगल सिंह सुमन। नंबर 3 ना पाएंगे तो अब देखिएगा कि पंछी कैसे आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो घ इसका उत्तर होगा, उन्मुक्त। फिर चौथा है, वे कहाँ रहकर खाना पसंद नहीं करते, पिंजरे में बंद रहकर। अब आप लोग अगले पृष्ठ में जब जाएंगे, पांचवा नंबर वहां पर है, देखिएगा उनके पंख कब टूट जाएंगे, तो इसका उत्तर ग होगा, सोने के पिंजरे की शलाखाओं से टकराकर। फिर है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जैसा कि प्रश्न है, सभी सुख सुविधाओं से वंचित एक गरीब परंतु आजाद व्यक्ति के मन की दशा कैसी होगी। जब मैं कविता का भावार्थ बता रहा था, सारांश, कि यहाँ पर कवि सीमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। भले ही कैद में उसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, परंतु परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया हुआ भोजन वह सबसे बेहतर है। तो मनुष्य के मन की भी व्यथा यही है कि यदि उसे कैद में रखकर सब कुछ दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता ही सबसे प्रिय है। इस तरह से आप लोग मूल्यपरक प्रश्न का भी उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। अब आ जाइए व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में पहला जो है, देखिएगा दिए गए शब्दों का जो सही पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। कनक में होगा इसका, कनिका में लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। फिर दूसरा, जल में अमृत पर लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। तरु में शाखा में लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। तारे में तारिका के आगे लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। किरण में आभा के आगे लगाएंगे। और जब आप लोग कॉपी में लिखिएगा उस समय सोने के पिंजरे की शलाखाओं से टकराकर। फिर है मूल्य परक प्रश्न, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहला जैसा कि प्रश्न है, सभी सुख सुविधाओं से वंचित एक गरीब परंतु आजाद व्यक्ति के मन की दशा कैसी होगी। जब मैं कविता का भावार्थ बता रहा था, सारांश, कि यहाँ पर कवि सीमंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। भले ही कैद में उसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, परंतु परिश्रम पूर्वक प्राप्त किया हुआ भोजन वह सबसे बेहतर है। तो मनुष्य के मन की भी व्यथा यही है कि यदि उसे कैद में रखकर सब कुछ दिया जाए तो वह उसे पसंद नहीं है, क्योंकि उसे स्वतंत्रता ही सबसे प्रिय है। इस तरह से आप लोग मूल्यपरक प्रश्न का भी उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे। अब आ जाइए व्याकरण भाग। व्याकरण भाग में पहला जो है, देखिएगा दिए गए शब्दों का जो सही पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। कनक में होगा इसका, कनिका में लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। फिर दूसरा, जल में अमृत पर लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। तरु में शाखा में लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। तारे में तारिका के आगे लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। किरण में आभा के आगे लगाएंगे। और जब आप लोग कॉपी में लिखिएगा उस समय लिखिएगा दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें, जैसे कनक, सोना, स्वर्ण, हेम, जल का, पानी,
नीर तोय, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अब अगला है, नंबर दो में आइए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। पहला है बंधन, मुक्त होगा इसका उत्तर। दूसरा बहता, स्थिर, पसंद, नापसंद, कड़वा का मीठा, मिलन का विरह, स्वतंत्र का परतंत्र। फिर है शब्द युग्म। शब्द युग्म जो है चार प्रकार के होते हैं, विलोम शब्द युग्म, सजाती शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म और चौथा है शब्दों की पुनरावृत्ति। पहला जो विलोम शब्द युग्म है, जिसमें आप नीचे देखेंगे नंबर तीन में, कि पहला जो शब्द है उसका विलोम होना चाहिए, जैसे सुख का दुख, हंसना रोना, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। सजाती में एक जैसा, भूखा प्यासा। फिर सार्थक और निरर्थक, यानी पहला शब्द का तो अर्थ से निकलेगा लेकिन दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा। पानी वानी, जैसे हम लोग बोलचाल में बोलते हैं दाल वाल। फिर है प्रति शब्द, जैसे जैसे, बार बार, यानी एक ही शब्द दोबारा है। तो इस तरह से इस अभ्यास को भी आप लोग पूरा करिएगा। आगे है संयुक्त अक्षर वाले शब्द बनाना है। फिर है उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक लगाना है। कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा? पक्षी, प के ऊपर में अनुस्वार का प्रयोग करिएगा। अनुनासिक कहाँ पर लगेगा? हंसना, ह के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करिएगा। इस तरह से आप लोग सारे शब्दों को लिखेंगे। फिर है वर्ण विच्छेद। पहला का होगा स्वर, दूसरा का क्षितिज और तीसरा आश्रय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉपी आप लोग जो बनाइएगा, रोलिंग छोटा कॉपी बनाइएगा और उसी में जो है पहले कविता आप लोग लिखिएगा, कविता के बाद शब्दार्थ लिखिएगा, शब्दार्थ के बाद सारा अभ्यास आप लोग लिखिएगा एक एक करके। व्याख्या तो मैंने कर ही दिया है, ध्यान से व्याख्या सुनिएगा तो सारे प्रश्नों का आप लोग उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।